आज नवरात्रि के इस पावन मौके पर मैं लेकर आई हूँ व्रत की एक स्पेशल रेसिपी, जिसको कि बनाना बहुत ही अमेजिंग है। खाने में ये हेल्दी है, इसके दो तरीके मैं बताऊँगी खाने के, और ये खाने में तो सुपर टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सानियास किचन। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस सुपर हेल्दी यम रेसिपी को, घर में बहुत ही आसानी से परफेक्शन के साथ कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी चटनी से। पहले तो यहाँ पर देखिए ब्लेंडर ले लिया है, और यहाँ पर मैंने कुछ धनिए को ऐसे धो लिया था। तो धनिए और मैं पुदीने के साथ बना रही हूँ, आप कुछ भी एक भी ले सकते हो। तो धनिए से थोड़ा कम पुदीना है यहाँ पर, और इनको भी अच्छे से धो लिया था। और साथ में थोड़े से अंगूर हैं, तो अंगूर की चटनी मैंने पहले भी बनाई है दो तरीक़ों से, जिसमें कि आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे उसमें, आप ज़रूर देखिएगा जाकर। और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी चटनी बनती है ये अंगूर के साथ में। और इसमें मैंने थोड़े से अदरक के पीसेस को ये देखिए ऐसे काट लिया था, तो ये भी डाल देंगे। और साथ में इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रहे हैं, अगर आप अदरक नहीं डालना चाहते तो आप अदरक ना डालें। और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे इसके खटास के लिए, तो नींबू के रस से और टेम्पटिंग बनेगी ये। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काला नमक, तो आप सेंधा नमक भी डाल सकते हो। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, और 2 टेबल स्पून पानी बस इतना ही डाला है। और बस इसको स्मूथ सा पीस लेंगे यहाँ पर। और ये देखिए हमारी कितनी फाइन सी चटनी बनकर तैयार हुई है। तो ये पकोड़ों के साथ चली जाएगी, और जैसे कि फास्टिंग है तो आप किसी भी आलू के साथ में इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही टेम्पटिंग चटनी बनती है ये। तो चलिए अब आगे हम दही का भी बैटर बना लेते हैं, क्योंकि इस रेसिपी को हम दो तरीक़ों से सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे कप के आसपास दही ले ली है, और इसमें थोड़ी सी मैं चीनी डाल रही हूँ, इसका बेस बनाने के लिए मुझे बहुत पसंद है, आप स्किप कर सकते हो। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, ये देखिए फेट के स्मूथ सा बन गया है यहाँ पर। उसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे दूध के साथ में, तो 2 टेबलस्पून दूध डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पर फिर से ब्लैक सॉल्ट का यूज़ किया है, काले नमक का। आप यहाँ पर सेंधा नमक भी डाल सकते हो। और मैं इसका टेक्स्चर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ ऐसा बन जाता है ये, और ये बिल्कुल फाइन बना है। तो चलिए अब कोटिंग का भी हम बेस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कुट्टू का आटा यूज़ किया है, आप यहाँ पर राजगिरी या जो भी आप खाते हैं फास्टिंग में वो आटा लीजिए। तो ये 1 कप है, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे, लाइक कि जैसे कोटिंग करते हैं ना, जैसे पकोड़ों का बैटर बनाते हैं, या हम वड़ा पाव का बनाते हैं जैसे कोट करने के लिए। ये देखिए ऐसा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा और लूज़ हो जाएगा और फर्मेंट सा हो जाएगा। तो इतना दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हम हाथों से ऐसे मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटर से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत ही पतली सी महीन सी पिट्ठी नहीं चाहिए, ऐसी दरदरी सी स्टफिंग चाहिए इसकी, तो जो कि खाने में बड़ा मज़ा आ जाता है। ये 5वां आलू लिया है मैंने, इसको भी हम हाथों से ऐसे दरदरा सा मैश कर लेंगे। ये मैश हो चुका है, इसमें कुछ चीज़ें मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए दरदरी कुटी हुई मूँगफली ली है, अगर आप इसको ग्राइंड कर रहे हो तो एकदम से चला के बंद कर दें, या फिर बेलन की मदद से कर, या चाकू से इसको ऐसे काट लें दरदरी सी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें थोड़ा सा अदरक डाल रहे हैं, अदरक को बहुत महीन काट लिया था। इसमें 1 हरी मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल रहे हैं, इसको पतला पतला काट लिया था। और बस इसमें स्पाइसेस में सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर जीरा पाउडर। आप मसाले स्किप कर सकते हो, जो आपको नहीं चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाले डालिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए स्टफिंग सी बनके तैयार है ये बिल्कुल। तो चलिए इसके हम छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं, उससे पहले हाथों को ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि ये स्टफिंग हमारे हाथों पर ना चिपके। और अब इसको हाथों से उंगलियों से ऐसे लेंगे, और अपने हिसाब से आप बॉल्स बनाइए, ना ज़्यादा बड़ी हुई ना ज़्यादा छोटी हुई। ये देखिए कुछ इस तरह की बॉल बना लें, और इसी तरह से सारी बॉल्स बनाकर आप पहले रख लें। ये देखिए तो मैंने कुछ सारी बॉल्स ऐसे बना ली हैं। तो चलिए अब इनको कुक करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अप्पे पैन लिया है, जी हाँ हम अप्पे स्टाइल में इसको बना रहे हैं। इसको ग्रीस कर लेंगे हम घी से या तेल से। तो इसमें अगर आपको अप्पे में नहीं बनाना है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो इस वक्त। तो डीप फ्राई में बस हाई टेम्परेचर पर तेल रखें। और चलिए हम अपनी बॉल्स को शुरू करते हैं इसमें बनाना। तो बैटर को पहले मिक्स कर लें, और इसमें ऐसे बॉल डाल दी है देखिए, और इस तरीके से स्पून की मदद से हम इसको हल्के से उठाएँगे
और अपने अपे पैन में इसको ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से दूसरा भी हम ऐसे बना लेंगे। आप इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कर सकते हो। और ये देखिए, ये भी ऐसे डाल देंगे। तो सारे बॉल्स जो हैं वो हम ऐसे ही डाल देंगे इसमें। तो एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन जाता है ये, और इसका अपे वर्जन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। ऊपर से ऐसे घी डाल दें, तेल डाल दें, और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। तो ये देखिए, नीचे से भी सिक गया है। और अगर अब आपको अप्पे पैन, सॉरी, इसको एयर फ्रायर में डालना है ना, तो आप यहाँ पर नीचे से सेकने के बाद इसको डायरेक्ट एयर फ्रायर में डाल सकते हो। उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑयल तो आपका निकल ही जाएगा उसमें, और बाकी ये क्रंची बन जाएंगे, क्रिस्पी बन जाएंगे, अगर आपको बहुत ही कम ऑयल में खाना है तो। इसके बाद आप उसमें ये प्रोसेस कर सकते हो, उसको इसके बाद एयर फ्रायर में डाल सकते हो। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने दोबारा से भी इस पर घी डाल दिया है, जिससे कि नीचे से भी काफ़ी क्रिस्प और क्रंची हो जाएं। ये देखिए आप बस, और ये देखिए टर्न करके कितने बढ़िया कलर आ रहा है इनका, और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिकते हैं। चारों तरफ से ही आप इसको अलटते पलटते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगते हैं बस इसको सिकने में। और ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेम्पटिंग और हेल्दी भी नाश्ता हमारा बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए, कुट्टू के आटे के साथ ये आलू की जो मिक्सचर का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही अच्छा जाता है। देखिए कलर भी कितना प्यारा आया है, और ये ऑलमोस्ट कुक ही हो गए हैं यहाँ पर। ये देखिए बने हैं ना कितने बढ़िया। तो बस इनको अब हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे सबको। ये देखिए बहुत ही क्रंची क्रिस्पी, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैं बताऊंगी इनको 2 तरीके से कैसे खाना होता है। ये देखिए कितनी बढ़िया बॉल्स लग रही हैं हमारी, और ऐसे ही जो दूसरे वाले मेरे बचे हुए थे ना, तो वो भी मैंने ऐसे ही बना लिए थे। ये देखिए, ये देखिए, है ना कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ ये कितने टेस्टी बने हैं। ऊपर से कोटिंग भी परफेक्ट है, और अंदर से ये क्योंकि बहुत गर्म गर्म है। और ये देखिए आप, और इस चटनी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है, आप चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जो है ना, बिल्कुल सुपर यमी बनते हैं, क्योंकि इसमें जो मूंगफली का जो क्रंच आता है ना आलू की पिट्ठी के साथ, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ लाइक अ भल्ले स्टाइल, जैसे दही बड़े खाते हैं ना, बस ऐसे बनाने हैं। तो ऐसे बना लेंगे आप अपनी प्लेटर में, और ये जो हमारा स्मूथ सा दही का बैटर था ना, ये इसमें ऐसे डाल देंगे। इसलिए दही को अच्छे से फेंटना ज़रूरी होता है। ये देखिए ऐसे डाल देंगे, कितनी बढ़िया कोटिंग हो गई है हमारी इसकी। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे जो अपनी हमने चटनी बनाई थी अंगूर की, कितनी बढ़िया, कितनी टैम्पटिंग सी चटनी लग रही है ये, और इसके स्वाद को बिल्कुल बढ़ा देगी। तो यहाँ पर लाल चटनी का यूज़ नहीं करेंगे आज, क्योंकि फास्ट के लिए खा रहे हैं। और इसमें हम हल्का सा जीरा पाउडर डाल देंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है बस, अगर आप स्किप कर सकते हो तो स्किप कर दीजिए। और इसमें थोड़ा सा धनिया हम ऐसे गार्निश कर देंगे। और ये देखिए अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना टेस्टी बना है। इसकी कोटिंग भी देखिए आप, जो कुट्टू के आटे के साथ में कोटिंग आई है, ये भी कितनी परफेक्ट है। और अंदर से भी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें मूंगफली का जो ये दिखता है ना, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा आता है। जब हम इसकी बाइट लेते हैं ना, बहुत ही मज़ा आ जाता है इसको खाने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। होप आज की ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल के साथ कर दें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएँ जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।